अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेम ऑन साजिद। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्ले कर सकते हो फ्री फायर को विदाउट एनी एमुलेटर, वो भी अच्छे FPS के साथ और अल्ट्रा सेटिंग्स में। फुल HD गेम प्ले आप लोगों को मिलेगा, कहीं भी आप लोगों को लैग नहीं मिलेगा और आप आराम से फ्री फायर को प्ले कर सकते हो अपने PC पे, और वो भी बिना किसी एमुलेटर को इंस्टॉल किए। अगर आप ब्लूस्टैक्स यूज करते हैं, नॉक्स ऐप प्लेयर यूज करते हैं, मीमो ऐप प्लेयर यूज करते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐप प्लेयर हम यूज नहीं करने वाले इस वीडियो में। ना ही आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपको स्मूथ सेटिंग्स सेट करनी पड़ेगी अपने PC में। बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए से आप लोग प्ले कर सकते हो फ्री फायर को अपने PC पे विदाउट एनी एमुलेटर। अगर आपके पास कोई भी एमुलेटर है तो मैं गाइस ये कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सब एमुलेटर्स को अनइंस्टॉल कर दोगे, और जो वे आप लोगों को बताऊंगा आप उस वे को इम्प्लीमेंट करके फ्री फायर को अच्छा खासा प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमुलेटर पे प्ले करने के बावजूद हमारी गेम लैग क्यों करती है। गाइस, अगर आपके पास 4GB रैम वाला PC है, उसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, और साथ साथ अगर उसमें Core 2 प्रोसेसर है, अगर आपके पास 4GB रैम वाला PC है और आप इमोलेटर पे प्ले करते हो फ्री फायर को, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा 4GB रैम में से 2GB रैम यूज कर रही है विंडोज, 1GB रैम यूज कर रहे हैं सारे वो ऐप्स जिनको हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, और बाकी हमारे पास जो रैम बचता है वो है गाइस 1GB। और आप लोगों को पता है कि फ्री फायर 1GB पे जरा भी अच्छा खासा रन नहीं कर सकता, हमें बिल्कुल स्मूथ सेटिंग्स पे सेट करके प्ले करना पड़ेगा इमोलेटर पे, फिर भी हमें लैग फेस होगा। तो गाइस, आज का ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है ताकि आप HD सेटिंग्स पे अपनी फ्री फायर को प्ले कर सके, आपको FPS भी अच्छे मिलेंगे और बहुत अच्छा आप गेम प्ले भी कर सकते हो। तो ये जो गेम प्ले आप लोग देख रहे हो गाइस, मैंने इसको इसी वे से प्ले किया है अपने PC पे, और कोई भी इमोलेटर इंस्टॉल नहीं किया, और आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी अच्छी सेटिंग्स पे और साथ साथ हाई FPS पे अपनी गेम को प्ले कर रहा हूँ। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐप है जिसके जरिए से हम प्ले कर सकते हैं फ्री फायर अपने PC पे विदाउट एनी इमोलेटर। तो गाइस, आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा प्राइम OS अपने सिस्टम पे। आप लोग कह सकते हो कि आपको अपने सिस्टम पे एक और न्यू विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है प्राइम OS, और गाइस ये OS बेस्ड है एंड्रॉइड पे, यानी इसमें सारा आपको एंड्रॉइड मिलेगा और आप एंड्रॉइड की कोई भी एप्लीकेशन इसमें यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक इमोलेटर ही है, बट गाइस ये इमोलेटर से काफी हद तक बेटर है, क्योंकि गाइस इसमें आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाती हैं, आपको इसमें एक एंड्रॉइड का लुक मिल जाता है और बहुत बहुत ही अमेजिंग चीजें भी हैं। लाइक आप कह सकते हो कि आप अपने सिस्टम में एक एंड्रॉइड इंस्टॉल करोगे। तो इस प्राइम OS का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो अपने PC में। इसका आपको इंस्टॉलर भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको ISO फाइल भी मिल जाएगी। YouTube पे आप भी देख सकते हो कि आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है इस प्राइम OS को। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूंगी एक अलग OS होगा जिसको आपको अपनी अलग ड्राइव में इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने PC पे, और इस OS से अगर आप प्ले करोगे फ्री फायर, पबजी मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, आराम से आप लोग अच्छे FPS पे अपनी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि प्राइम OS को अपने PC में इंस्टॉल किस तरह से करना है, फ्री फायर की सेटिंग्स किस तरह से करनी है, फ्री फायर की मैपिंग किस तरह से करनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे YouTube पे बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें आप लोग देख सकते हो कि प्राइम OS को किस तरह से इंस्टॉल करना है, फ्री फायर की मैपिंग किस तरह से करनी है, तो आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो प्राइम OS के बारे में। काफी और यूट्यूबर्स भी हैं जो कि आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइम OS यूज कर सकते हो। अब प्राइम OS यूज करने का फायदा गाइस ये है कि आपका जो सारा रैम होगा वो आपकी गेम में ही कंज्यूम होगा। एंड्रॉइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रैम में से 200 MB, 300 MB या ज्यादा से ज्यादा 500 MB डेटा कंज्यूम करेगा, बाकी आपका जो रैम बचेगा वो यूज होगा आपकी गेमिंग में और आपको अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसकी एक डिसएडवांटेज गाइस ये है कि इसमें हमें इनबिल्ट गेम रिकॉर्डर नहीं मिलता, हमें प्ले स्टोर से और करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी गेमिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। बट अगर हम बात करें ब्लूस्टैक्स की, तो गाइस ब्लूस्टैक्स भी काफी हद तक अच्छा इमोलेटर है, बट ये इमोलेटर बना है उन लोगों के लिए जिनके पास हाई टेक के PCs हैं, जिनके पास i7 i5 वाला प्रोसेसर है, उनके PCs पे ये इमोलेटर काफी हद तक अच्छा चल जाता है और आप ब्लूस्टैक्स पे भी अच्छी खासी सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो अगर आपके पास हाई टेक वाला PC है। तो गाइज, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास लो एंड PC है तो आप प्राइम OS को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास i7 i5 वाला PC है और उसमें अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है, आपका प्रोसेसर भी अच्छा है,
आपका कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है तो गाइस आप लोग BlueStacks के साथ जा सकते हो, क्योंकि BlueStacks से आप डायरेक्टली अपनी फाइल्स विंडोज में एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्राइम ओएस में भी कर सकते हो, बट आपको फिर विंडोज में बूट करना पड़ेगा और फिर प्राइम ओएस में बूट करना पड़ेगा। तो इसकी एक डिसएडवांटेज गाइस ये है कि ये एक अलग ओएस होता है और इसको बूट करने के लिए आपको अपने सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, फिर आपको प्राइम ओएस को रन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इस पे कि आप प्राइम ओएस को इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हो, फ्री फायर की मैपिंग किस तरह से कर सकते हो, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ आपको बेल का आइकन नजर आएगा उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको इस चैनल से आने वाले हर न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।